Hello and welcome to our YouTube channel Strategy PCS. So let's begin with our today's daily quizzes question. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ना है फॉर डेली क्विजेस इन MCQ फॉर्म तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. वेरियस सब्जेक्ट्स की और करंट अफेयर्स की आपको रोज क्विजेस वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों? क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए आप पढ़ सकते हैं, बट करंट अफेयर एक ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही है और उसको हमेशा हर दिन करंट अफेयर्स का नया होता है. तो आपको पिछली न्यूज़ और आज की न्यूज़, जो पिछली न्यूज़ है जो आज की न्यूज़ है, उन दोनों की अगर सिमिलरिटी है तो उसको कनेक्ट भी करना आना चाहिए, तभी आप करंट अफेयर्स को, और ये अगर आप रोज करेंगे तभी आप देखेंगे कि एक साल या धीरे धीरे करके आप करंट अफेयर्स में अपने आप को अपडेट रख पाएंगे और चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे आपस में. कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी क्रूशियल इन करंट अफेयर्स एंड इट्स नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स. लाइक इफ यू हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट्स इन अदर सब्जेक्ट्स देन यू कैन रिवाइज इट, बट हियर इन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस यू नीड टू बी अपडेटेड एवरी सिंगल डे. सो लेट्स बिगिन विद आवर टूडेज क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? Who is selected as torch bearer for 2024 पेरिस ओलंपिक्स? तो आपको पता है कि 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं. तो आपने देखा होगा हर देश के खिलाड़ी जब आते हैं तो उसके उसके आगे एक मशाल लेके चलता है और ओलंपिक खिलाड़ी वो होता है, वो मशाल लेके चलता है. वैसे ही ओलंपिक जब शुरुआत होती है ओलंपिक गेम्स की, तो उस सारे ओलंपिक एक तरीके से या मशाल वाहक कौन होगा? तो ये इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट जो है किए गए हैं, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा. आप सब अगर देखे होंगे अब जाने होंगे इनको कि इन्होंने 2008 में जीता था गोल्ड मेडल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में. 2008 में चाइना में हुए थे बीजिंग ओलंपिक. तो ये अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक के रूप में होंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इनॉग्रेट्स कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ CLEA राष्ट्रमंडल अटर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और साथ ही में देख सकते हैं कि ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं देश के, DY चंद्रचूड़ जी, धनंजय यशवंत चंद्रचौर. तो ये मुख्य न्यायाधीश है हमारे देश के. तो इन्होंने उद्घाटन किया है और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी. इस सम्मेलन की थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी. तो इसी थीम के साथ इसका उद्घाटन किया गया.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रिसेंटली विच इंडियन वेटरन पॉलिटिशियन विल बी कन्फर्ड विद द भारत रत्न, इंडियाज नेशन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. हाल ही में किस भारतीय दिग्गज राजनेता को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? लाल कृष्ण अडवाणी जी, आप सभी को पता है, इनको अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, भारत सरकार इनको देगी भारत रत्न. और आपको बताना है कि हाल ही में एक और व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, वे बिहार के भी रह चुके हैं, तो उनका नाम क्या है, उनको भी सम्मानित किया जाना है, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए. एट वॉट कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफर्स भारत राइस इन रिटेल मार्केट, सरकार खुदरा बाजार में भारत चावल किस कीमत पर पेश करेगी, भारत राइस. तो हम सभी ने देखा है कि पिछले विभिन्न किस्मों के चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि हो गई है. ये पिछले एक साल में हम लोग ने देखा है. तो सरकार ने ये कहा है कि आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से, मीन्स नेक्स्ट वीक से, अभी ये फेब चल रहा है, सरकार भारत राइस ब्रांड, ये जो ब्रांड है भारत राइस ब्रांड, उसको 29 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर चावल बेचेगी, 29 रुपए प्रति किलो. और ये चावल सरकार ने दो सहकारी समितियों, जैसे कि नेफेड है एक हमारी, NAFED, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड, और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NCCF, NCCF के साथ साथ खुदरा श्रृंखला केंद्रीय भंडार के माध्यम से खुदरा बाजार में सब्सिडी वाले भारत चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का फैसला किया है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी भारत राइस की बिक्री होगी. तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एट विच प्लेस द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति 24, भारतीय वायुसेना किस स्थान पर वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है? तो ये 17 फरवरी को हम लोग इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी. कहाँ पे? पोखरण रेंज. पोखरण रेंज जैसलमेर में है, जहाँ पे हम लोग ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, पोखरण रेंज में जैसलमेर में वायु शक्ति एक्सरसाइज 2024 का अभ्यास आयोजित की रहेगी. रिसेंटली विच पुलिस अडॉप्ट सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स फॉर स्मार्ट पेट्रोल्स, हाल ही में किस पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर को अपनाया है? तो ये उत्तराखंड की पुलिस ने अपनाया है, उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड ह्यूमन डीएनए बैंक अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया है? तो पिक में भी देख सकते हैं आप, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज क्रिएटिंग नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक बना रही है. रिसेंटली हु एज्यूम्ड चार्ज एज चीफ एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाल ही में वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये पवन कुमार जी हैं, 1992 बैच के, 1992 बैच के व्यय विभाग के अधीनस्थ भारतीय लागत लेखा सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं. तो उन्होंने, पवन कुमार जी ने ये कार्यभार संभाला है. इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ
तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो ये प्रोजेक्ट जो ये थर्मल प्लांट है वो दो फेजेस में होगा, पहला फेज और दूसरा फेज। पहला फेज में 2400 मेगावाट की कैपेसिटी से रन करेगा और दूसरा फेज एडिशनल होगा 800 मेगावाट। तो ये पावर प्लांट पहला 2400 मेगावाट का, दूसरा फेज में 800 मेगावाट का एडिशनल होगा। कहाँ पे होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में ये रखा जाएगा और एनएलसी इंडिया बना रही है, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड नवरत्न कंपनी है, नवरत्न है ये कंपनी। तो ये प्रधानमंत्री जी ने इसका आधारशिला रखी है उड़ीसा में। विच वेटरन साउथ इंडियन एक्टर हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल पार्टी तमीजागा वेत्री कागजम? किस दिग्गज दक्षिणी भारतीय अभिनेता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है? तमीजागा वेत्री कागजम। तो ये आप देख सकते हैं पिक में, ये थलापति विजय जी ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है। ये तमिलनाडु के एक्टर हैं, तमिलनाडु में। तो ये थे आज के एमसीक्यू और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रोज एमसीक्यू और वेरियस अदर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी वहाँ पे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आधा छोड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। वीडियो को अगर स्पीड कम है तो आप 1.25x पे भी देख सकते हैं और 1.5x पे भी देख सकते हैं, तो आपका वीडियो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो 1.5x स्पीड पे अच्छा आपको बेहतर सुनाई देगा, या 1.25 पे भी कर सकते हैं। इट थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।